गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो बच्चों हमने चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो आज बच्चों हम बात कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? प्यारे बच्चों, क्वांटा का क्या मीनिंग है? क्वांटा का मीनिंग होता है एक पैकेट होता हमारे पास। तो जैसे कि भाई उस पैकेट से छोटा पैकेट नहीं बना सकते। जैसे फॉर एग्जांपल चार्ज की केस में बात करें, एक बार मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। It is always integral multiple of basic unit of charge. ये हमेशा basic unit of charge का integral multiple होता है। For example बच्चों, जैसे ये बॉडी है A और बच्चों ये बॉडी है B, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, सपोज करो ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है, सपोज करो इसमें 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें नेट चार्ज 0, इसमें 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी नेट चार्ज बच्चों कितना है? 0। अब मान लेते हैं A से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए B के अंदर, सपोज करो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो गए? A से B में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो अब इस बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो यहां पे कितना हो जाएगा? प्रोटॉन बच्चों इसके पास 5 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मीनिंग है इस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज -2e। इसके पास 10 प्रोटॉन है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8। तो बच्चों इस पे कितना चार्ज बचा? +2e। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है उस पे कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है उस पे कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करती तो इसमें माइनस ई, इसमें प्लस ई, तो रिलीज किए तो इसमें -2e, इसमें +2e। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर बॉडी 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करती तो जो बॉडी गेन करती उस पे -3, जो रिलीज करती उस पे +3, जो बॉडी 4, अगर बॉडी ने 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं तो -4e +4e। तो क्वांटाइजेशन का मतलब यही है, चार्ज हमेशा e का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना चार्ज लेके जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। क्या कभी ऐसा हो सकता है किसी बॉडी पे चार्ज +e/2 या -e/2? इज इट पॉसिबल? नो। इसका मीनिंग ये है, -e/2 का मतलब है बॉडी ने हाफ इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, +e/2 का मीनिंग क्या है कि बॉडी ने हाफ इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं। क्या हाफ इलेक्ट्रॉन जा सकता है? क्या आप अपने स्कूल जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि हाफ आप स्कूल में चले गए या कोचिंग में चले गए, हाफ पार्ट आपका घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? ऐसा होता है? हाफ पार्ट आपका बायो पढ़ने चला गया, हाफ आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ने चला गया, ऐसा हो सकता है? जब भी ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन, जब भी ट्रांसफर होगा तो कंप्लीटली ट्रांसफर होगा बच्चों, कभी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं ना। तो हम इसका जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं +-ne। अगर बॉडी पॉजिटिव उसके लिए जो बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है और नेगेटिव साइन फॉर दैट बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, इज इट क्लियर? +-n, वेयर n इज नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रांसफर किए। तो ये है बच्चों क्वांटाइजेशन का मीनिंग, q = ne।
और E का वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हैं 1.6 10 रेस टू द पावर -19 कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्लियर हो गया है। थैंक यू।